सब टीवी पर टेलीकास्ट होने वाले वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरियल बालवीर रिटर्न्स में इन दिनों काफी कुछ मजेदार देखने के लिए मिल रहा है। तो वहीं शो के अपकमिंग एपिसोड्स तो होने वाले हैं और भी ज्यादा मजेदार। अभी तक जहां देखने के लिए मिला कि किस तरह से अनन्या को देबू का सच पता चलता है कि देबू ही बालवीर है और देबू ही नकाबपोश है। इस बात को लेकर देबू और अनन्या दोनों के ही बीच होती है लड़ाई झगड़ा। दोनों के बीच एक क्यूट नोकझोंक भी देखने के लिए मिली। तो वहीं शो के अपकमिंग एपिसोड्स तो होने वाले हैं और भी ज्यादा मजेदार, क्योंकि विवान और पूरे परिवार पर होने वाला है हमला। और इस हमले के बाद जब बालवीर देखेगा कि हर कोई बेसुध सी हालत में है, तो बालवीर अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह से उसके साथ कर सकता है, कोई इस तरह से अपनी पावर्स का यूज करके उसे इस तरह ब्लैकमेल करेगा या इस तरह से उस पर वार करेगा। ये सब देखने के बाद बालवीर है बहुत ज्यादा हैरान। तो बता दे कि यहाँ पर बालवीर को संभालते हुए नजर आने वाले हैं हमारा शौर्य और परियां। जी हाँ, बालवीर जब अंदर ही अंदर टूट चुका होगा, उसे आएगा बहुत ही ज्यादा गुस्सा और एक अलग ही रूप हमें बालवीर का यहाँ देखने के लिए मिलेगा। एक कमजोर सा बालवीर जो अंदर से पूरी तरह टूट चुका है वो जाएगा। अब वीर लोग जहाँ शौर्य और परियां उसे संभालती हुई आएंगी नजर। वाले एक और जहाँ ये सारा ड्रामा चल रहा है, तो दूसरी ओर अभी भी शंकाई के लोग अपनी हरकतों से नहीं आने वाले हैं बाज। जी हाँ, दरअसल बता दे कि अब जहाँ धरती लोक और वीर लोक में होने वाला है दीपावली सेलिब्रेशन, तो इस दीपावली सेलिब्रेशन में भी शंकाई के ये लोग अपनी बुरी ताकतों से इस खुशी को भंग करने वाले हैं। यहाँ ये मजेदार सा ट्विस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वही अभी देखना ये मजेदार होगा कि आखिरकार विवान और पूरे परिवार पर हमला किसने किया है। क्या वो ऋत्विका की एंट्री हो चुकी है और ऋत्विका ने किया है ये हमला, ये दर्शक अभी भी जानना चाह रहे थे। तो बता दे कि ऋत्विका की एंट्री अभी शो में नहीं हो रही है, यानी ये हमला जो हुआ है विवान और उसके पूरे परिवार पर, ये नहीं किया है ऋत्विका ने। तो देखना यही मजेदार होगा कि आखिरकार कौन है वो शख्स जिसने विवान और पूरे परिवार पर इतनी बुरी तरह से हमला किया है। बोलिए, जानने के लिए देखना ना भूले सब टीवी पर बालवीर रिटर्न्स।